Okay. So now the next questions that we are going to discuss today. जहां जिसको डाउट है पूछ लेना, ठीक है? चलिए, हम लोगों ने आगे बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, जो लोग एब्सेंट थे उनको शायद पता नहीं होगा, आप देख लो यहाँ पे, ठीक है? क्वेश्चंस की भरमार है यहाँ पे, हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किए हैं, ठीक है? अब जो लोग एब्सेंट थे, जो मजे लेने के लिए बाहर गए हुए थे, वो मजे कर रहे हैं, है ना? चलो देखो, ये एक रजिस्टर लगा दिया, यहां एक रजिस्टर है, ठीक है? ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 8 ओम है, एंड ये भी 8 ओम है. नाउ यू नीड टू फाइंड द करंट इन दिस ब्रांच. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे दो दो रेजिस्टेंस लिखे हैं सर. क्या सर, हाँ, एक ही रजिस्टर के आपने दो रेजिस्टेंस लिखे हैं क्या? एक ही रजिस्टर के दो रजिस्टर लिखे, मतलब एक ही रेजिस्टर के दो रेजिस्टेंस लिखे सर आपने, 4 ओम और 8 ओम. अच्छा, ओके, हाँ, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं. कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एक चीज समझिए कि यहां पर इस सर्किट को क्या हम छोटा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. तो डेफिनेटली कर सकते हैं. कैसे करेंगे? तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये और ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में है क्या? ठीक है, देखिए, तो 4 और 4 ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में. तो 4 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन से आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा. ये 4 गया, ये 4 गया, कितना बन गया? ये 2 ओम बन गया. यस और नो? फिर आप देखिए यहाँ पे, ये 8, ये 8 और ये 8 दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है. तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 8/2 करेंगे तो. ठीक है, तो ये गया राइट, और यहां से ये हो जाएगा 4 ओम. बोलो, क्लियर है यहां तक? हेलो, सर. ओके, ये कितने वोल्ट की बैटरी है? तो ये है 10 वोल्ट की बैटरी. कितने वोल्ट की बैटरी है? 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड की हुई है. फाइन, नाउ यू नीड टू फाइंड द करंट. तो अब आप देखिए क्या कर सकते हैं, अगर आप जानते हैं कि यहाँ पर 10 वोल्ट है तो यहाँ कितना होगा 10, और यहाँ कितना होगा 0. अगर यहाँ 0 तो यहाँ कितना है 0. अगर ये 0 है तो क्या यही पोटेंशियल यहाँ पर आएगा 0? क्या वही पोटेंशियल यहां पर आएगा? वो कितना आ जाएगा? 0. ठीक है, अगेन अगर यहां पर 10 वोल्ट है तो क्या यही 10 वोल्ट यहां पर होगा? यस और नो? यस. ठीक है, ओके. अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आर इक्विवेलेंट निकालते हैं. पहले क्या निकालेंगे? आर इक्विवेलेंट. तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 10 और 0 के बीच में कितना है, 10 और 0 के बीच में 2, फिर 0 और 10 के बीच में 4, 10 और 0 के बीच में 4. तो अगर आप इसको
देखेंगे तो तीनों तीन पैरेलल में है क्या? देखो अगर आप इसको बना लो 10 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, सपोज अगर आपको मान लो नहीं समझ में आता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 वोल्ट और 0 वोल्ट, ठीक है? तो अब देखिए 10 और 0 के बीच में है रेजिस्टेंस 2 ओम, फिर ये हो गया 0 और 10 के बीच में है 4, तो ये 0 और 10 के बीच में कितना आ गया? ये 4 आ गया। देन ये 10 और 0 के बीच में अगेन 4, तो ये अगेन 4। अब बताइए 2, 4 एंड 4, क्या ये तीनों तीन पैरेलल कॉम्बिनेशन है? ऑल दिस थ्री रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और पैरेलल में कनेक्टेड है तो आप जानते हैं 4 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन तो कितना हो जाएगा? 2। और ये 2 और ये 2 इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? 1। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाता है? 1 ओम। कितना आ जाएगा? 1 ओम। बोलो क्लियर है? इसका मतलब करंट आई कितना आएगा? 10 एम्पियर। बी बाय आर इक्विवेलेंट, बी कितना है? 10/1, तो आई आ गया 10 एम्पियर। इसका मतलब यहां से कितना करंट जाएगा? कितना करंट जाएगा? 10 एम्पियर। ठीक है, आगे की कहानी आप सॉल्व कर सकते हो। क्या आएगा आगे की कहानी में बताओ जरा भाई? यहाँ पे अगर 10 एम्पियर करंट डिवाइड होगा आएगा तो यहाँ करंट। कितना जाएगा? 5 एम्पियर, क्योंकि 10/2, तो कितना आ जाएगा? 5। तो रिमेनिंग कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 एम्पियर। यस और नो? यस तो कितना करंट फ्लो हो रहा है? 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। कितना फ्लो हो रहा है? 5 एम 5। फाइव बोलो क्लियर है? पक्का? यस ग्रेट। सची समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए नेक्स्ट जो है, ये हमने रेजिस्टेंस के काफी सारे कॉम्बिनेशन स्टडी कर लिए, ठीक है? अब मान लीजिए हमारे पास में कोई ऐसा केस आता है जिसमें 5 रेजिस्टर कनेक्टेड है। कितने रेजिस्टर्स कनेक्टेड है? 5 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है। अब होता क्या है कि ग्रुप ऑफ 5 रेजिस्टर्स जब आप देखते हो तो पहला आप ये देखते हो कि उसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है या नहीं है। जब आपको ये समझ में आता है कि सीरीज पैरेलल हमको इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप सेकंड थॉट लेके आइए दिमाग में कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है वो हम आज स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में जो चीजें हम स्टडी करते हैं सेम थिंग्स आर एप्लीकेबल फॉर द कैपेसिटर आल्सो। मैंने आप लोगों को जब चैप्टर स्टार्ट किया तो उस टाइम पे बताया था कि जहां पर रेजिस्टर है वहां पर कैपेसिटर लेके आ जाना है आपको, ठीक है? एवरीथिंग विल रिमेन सेम। अच्छा देखिए अब इसका सर, सर्किट समझिए। एक डाउट था हाँ बोल। सर, हम कैपेसिटर को एज अ बैटरी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जब वो फुल्ली सर, चार्ज होता है मतलब तब। जब वो फुल्ली चार्ज होता है हाँ तब सर, हाफली चार्ज में नहीं कर सकते क्या? हाफ चार्ज में कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो फुल्ली चार्ज जब तक हुआ नहीं होता है, ठीक है, तब तक उसके, जैसे मान लो आपने कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बैटरी लगाई, ठीक है? अब बैटरी लगा के आपने उसको चार्ज करना शुरू किया, मान लो आपने उसको हाफ चार्ज कर दिया, हाफ चार्ज करने के बाद आपने आपने उसको डिस्कनेक्ट कर लिया। अब डिस्कनेक्ट करने के बाद आप किसी ऐसे लोड के साथ कनेक्ट करोगे तो वो कैपेसिटर एज अ बैटरी बिहेव तो करेगी, बट डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो जाएगी। सर, ये पेन्स, ये जो मोबाइल पे लिखने के लिए पेन्स और वो सब कुछ आते हैं, उसमें वो कैपेसिटर यूज होते हैं ना? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, जितने भी आपका मोबाइल फोन का चार्जर भी उसके अंदर इंक्लूड करना है, वो सभी के अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं उन सभी में कैपेसिटर लगे होते हैं, ठीक है? सर चलिए तो कुछ इस तरीके के हमें व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है। देखिए
यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, पांच रेजिस्टर्स, आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर, आर फाइव. देयर आर फाइव रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन द सर्किट. ठीक है. अब होता क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन आर वन, आर टू, आर थ्री एंड आर फोर सच दैट द करंट इन आर फाइव इज जीरो. अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए that find out the relation, find R1 out by the R4 equals to R2 by R3 relation between R1, R2, R3 and R4 such that current in R5 is zero. ठीक है, समझ में आया? ओके ग्रेट. नाउ इसका सॉल्यूशन क्या है तो देखिए, अब मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि ये वी वोल्ट की बैटरी हमने ले ली है. कितने वोल्ट की बैटरी ली है? वी वोल्ट की. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर कितना पोटेंशियल आएगा, क्या वी पोटेंशियल आएगा? इसका मतलब यहाँ पे कितना पोटेंशियल आएगा, क्या जीरो पोटेंशियल आएगा? यस और नो? यस सर. ठीक है, और मैंने ये मान लिया कि यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स. ठीक है, अब मुझे कोई ये बताएगा कि मैंने यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह एक्स कैसे अज्यूम कर लिया जबकि रेजिस्टेंस आर फाइव बीच में कनेक्ट किया हुआ है? सर करंट ऐसे भी जीरो करना है. एग्जैक्टली, करंट हमें वैसे भी जीरो करना है R5 के अंदर, इसलिए हम ये मानते हैं कि पोटेंशियल विल रिमेन सेम. ठीक है, तो अब आप देखिए क्या हो जाएगा. मान लेते हैं इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2. ठीक है, और यहां से ये करंट जाएगा I1 और यहां से करंट जाएगा I2. क्लियर है सभी को? हेलो. Yes, sir. अच्छा, अब देखिए करंट I1 इस डायरेक्शन में जा रहा है हायर टू लोअर, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, V माइनस एक्स इज इक्वल टू I1 R1. क्या ऐसा लिख सकते हैं? आपको बताया गया है ये लिखना, कैसे लिखते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I इंटू R, इज इट राइट? देन एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू I1 इंटू R3, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं? ये x माइनस जीरो इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? I1 R3 लिख सकते हैं? यस और नो? सर R2 नहीं आएगा. हाँ सर. अरे हाँ, ये R2 होगा ना. यस यस यस, पीछे मैंने R3 लिखा होगा क्या? हाँ, तो ये हो जाएगा I1 R2. ठीक है, then again v minus x is equals to I2 into R4 and ye x minus 0 is equals to I2 into R3. Kya aise likh sakte hain? Yes or no? Yes sir. Ab aap dekho v minus x, v minus x. To ye dono ko main likh sakta hu v minus x. V minus x is equals to I1 R1 is equals to I2 R4. ये क्वेश्चन नंबर वन. देन x माइनस जीरो इज इक्वल्स टू I1 R2 इज इक्वल्स टू I2 R3. ये क्वेश्चन नंबर टू. ठीक है, अगर आप इक्वेशन वन और इक्वेशन टू का अगर आप रेशियो ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? रेशियो. तो क्या आ जाएगा? तो देखो I1 R1 बाय I1 R2 इज इक्वल्स टू I2 R4 अपॉन I2 R3. ठीक है, I1 I1 क्या, I2 I2 क्या, तो क्या बचेगा आपके पास में? आपके पास में रिमेनिंग रहेगा R1 by R2 is equals to R4 by R3. क्या ये सही है? ठीक है, ये हो गया R1 by R2 is equals to R4 by R3. ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R1 by R2 is equals to R4 by R3, so R1 R3 is equals to R2 R4.
बोलो क्लियर है यहाँ तक सभी को? समझ में आया? यस सर। तो आर फाइव में करंट नहीं होने की कंडीशन हमने ये निकाली दैट आर वन बाय आर टू इज इक्वल्स टू आर फोर बाय आर थ्री, या फिर हम ये कह सकते हैं आर वन आर थ्री इज इक्वल्स टू आर फोर आर टू आर फोर, यस और नो? यस। अब एक चीज समझिए कि अगर मान लीजिए सपोज इसके अंदर करंट फ्लो होना बंद हो गया, हमने ये कहा कि भाई इसके अंदर जो है करंट जीरो है, अगर इसके अंदर करंट जीरो है तो फिर आपका जो सर्किट है वो कैसा हो जाएगा वो देखिए। देखिए इसमें से करंट जीरो कर दिया आपने, ठीक है, जब इसमें करंट जीरो हो गया तो आप देखिए क्या आर वन एंड आर टू दे बोथ आर इन सीरीज, आर टू आर थ्री एंड आर फोर आर इन सीरीज एंड दे बोथ आर इन पैरेलल, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि आर वन एंड आर फोर बोथ आर इन पैरेलल एंड आर टू एंड आर थ्री आर इन पैरेलल, कह सकते हैं? यस कह सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं आर वन आर फोर बाय R1 plus R4 plus R2 R3 by R2 plus R3, तो ये क्या आ जाता है, ये आपका R equivalent आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका R equivalent। बोलो समझ में आया? Yes sir। Yes or no? Yes sir। समझ में आ गया सभी को? Yes sir। तो ये बेटा हो गया आपका Wheatstone ब्रिज, ये क्या हो गया आपका Wheatstone ब्रिज हो गया, ठीक है? Anyone has any doubt? No sir। Next देखिए, मान लीजिए इसी के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं आगे। सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया करने के लिए, कुछ इस तरीके से रेजिस्टर्स हमने ले लिए, ठीक है, ये सिक्स, ये एट, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ठीक है, और इसके अक्रॉस मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, 10 वोल्ट की। अब बताइए I1, I2 एंड I3 क्या आएगा, बताओ क्या करेंगे इसके लिए? देखो यहाँ पे कि समझो R1 R3 is equals to क्या होता है R2 R4 होता है, ये Wheatstone ब्रिज की कंडीशन होती है, ये क्या होती है Wheatstone ब्रिज की कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है इन दैट केस हम ये कह सकते हैं द करंट जो मिडिल वाली जो ब्रांच होती है उसमें से जो करंट जा रहा होता है वो क्या हो जाता है जीरो हो जाता है, ठीक है। चलिए बताइए क्या करेंगे इसके अंदर, I2 कितना आएगा? हाँ सर मिडल जीरो जाए। I2 जीरो। क्या ये Wheatstone ब्रिज केस है? हाँ, yes sir। क्या ये Wheatstone ब्रिज केस है? Yes sir। Yes sir। Yes sir। क्या ये Wheatstone ब्रिज केस है?
यस सर पक्का यस सर हाँ सिक्स फोर जा सिक्स अरे भाई वाह सिक्स फोर जा नहीं पता तुम लोग सिक्स फोर जा 24 और एट थ्री जा 24 तो बीच में करंट कितना जीरो कितना जीरो नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा बेटा नहीं होगा देखो इसमें और उसमें क्या फर्क है मैंने कनेक्शन इसमें यहाँ पे दिया था आप देखो कनेक्शन कहाँ दिया था मैंने और इसमें कनेक्शन कहाँ दिया है देखिए कंपैरिजन कीजिए आपको समझ में आएगा देखो इस दो पॉइंट से अक्रॉस मैंने बैटरी लगाई है और यहाँ पे मैंने बैटरी कहाँ लगाई है आई बात समझ में जनरली बच्चा यही गलती करके आता है 6 4 24 8 3 24 वाह ये तो पढ़ा हुआ है विस्टम ब्रिज हो गया करंट सेंटर में जीरो हो गया चलो हो गया आंसर और पहला ही आंसर जीरो दिया होता है जीरो एम्पियर करंट गलत करके आते हो फिर है ना तो बेटा ये जो केस है ये विस्टम ब्रिज केस नहीं है ये मैंने जानबूझ के दिया था आपको ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि विस्टम ब्रिज में और अदर सर्किट्स में क्या डिफरेंस है ठीक है अब आई वन आई टू आई थ्री निकालने के लिए क्या करेंगे अब बेटा तीनों तीन पैरेलल में ये तीनों तीन कैसे हैं देखो ये सिक्स और एट कैसे कनेक्टेड है सीरीज पैरेलल ये दोनों सीरीज और ये तीनों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में कनेक्टेड है राइट तो इसका रेजिस्टेंस आएगा 14 ओम इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 7 ओम और इसका 2 तो देखिए जैसे कि आप जानते हैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई हुई है दैट I1:I2:I3 इज इक्वल्स टू V/R1/V/R2/V/R3 राइट तो V/R1 कितना आया ये हमारा R1 हो जाएगा 7 ठीक है तो हम इसे लिखते हैं शॉर्ट डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं 1/7 रेशियो ये कितना है 1/2 रेशियो ये कितना है 1/14 क्या ऐसा लिख सकते हैं यस और नो तो I1 I2 I3 को हम क्या लिखेंगे एलसीएम 14 आ जाएगा तो ऊपर आएगा 2 7 एंड 1 तो ये I1 I2 एंड I3 ठीक है तो I1 लिखना है तो क्या लिखेंगे सबसे पहले I1 निकालने के लिए आपको I होना चाहिए ना पहले मेन करंट तो होना चाहिए ना आपके पास में यस और नो यस तो मेन करंट I जो है वो क्या आएगा I इज इक्वल्स टू V बाय R इक्विवेलेंट यस और नो यस हाँ तो बताओ कितना आएगा R इक्विवेलेंट ये 14 ये 2 और ये 7 तीनों तीन पैरेलल में 14/10 आता है R इक्विवेलेंट कितना आता है 14/10 और V कितना है भी कितना है 10 मैंने एक डायरेक्ट कैलकुलेट करके रख दिया आप आराम से निकालना कोई दिक्कत नहीं है ये 100/14 आपको क्या आ जाता है बेटा करंट आ जाता है दिस इज द मेन करंट व्हिच इज फ्लोइंग इन द सर्किट दिस इज I I कितना आ जाएगा 100/14 एंपियर कितना आ जाएगा 100/14 एंपियर अच्छा अब आपको I1 लिखना है तो I1 लिखने के लिए हम क्या करेंगे I1 लिखने के लिए हम लिखेंगे 2 क्या लिखेंगे भाई I1 निकालना है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 2 इन डिवाइड बाय 2+7+1 इनटू मेन करंट दैट इज I तो कितना हो जाएगा 2/10 इनटू कैपिटल I कितना है 100/14 ये 10 कितना 20/14 क्लियर भाई समझ में आ रहा है यस तो कितना आ जाएगा ये 10/7 एम्पियर तो ये I1 आ गया क्या सिमिलरली आप I2 एंड I3 फाइंड कर सकते हैं क्या सिमिलरली आप I2 एंड I3 फाइंड कर सकते हैं यस और नो
ये बेसिकली बेटा ये जो फॉर्मूला है ये मैं आपको बता चुका हूँ, आई वन इज इक्वल्स टू आई आर टू बाय आर वन प्लस आर टू वाला जो हमने बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, हम इस तरीके से फॉर्म करते हैं, वही मेथड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर, समझ में आ रहा है? पढ़ा हुआ है तो है, पढ़ा हुआ है, अपने करवाया था ना, इसलिए पता होगा। हाँ सर, चलो नेक्स्ट देखो। सही, इसका तो आंसर भी याद है, प्रदीप में क्वेश्चन था 4 8, ये वो नहीं है, वो करवा दिया जो तू बता रहा है, वो ऐसा ही है, हाँ वो जो तू बता रहा है ना, जो प्रदीप में था 10th स्टैंडर्ड में, हाँ वो करवा दिया काफी टाइम पहले, पहली क्लास में करवा दिया था वो, पहली दूसरी में, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले तो जहां पर 5 रजिस्टर दिखे वहां पर देख के आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि सीरीज पैरेलल आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो फिर व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में सोचना है, किसके बारे में सोचना है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, बताओ क्या करोगे, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज की फुल कंडीशन फुलफिल करेगा कि नहीं करेगा, ये देख के मुझे बताओ पहले। हाँ सर, करेगा सर। कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है सर। पक्का कर रहा है? 4824, हाँ सर। देखो यहाँ पे नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ऐसा कर लो, देखो ये V मान लो हमने इसके क्रॉस बैटरी अप्लाई कर दी, ऐसे करके गिवन नहीं है लेकिन मान लेते हैं कि ऐसे हमने बैटरी अप्लाई कर दी, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V और ये कितना हो जाएगा, ये V, ये जीरो, तो ये जीरो, ठीक है, यहाँ पर V है तो यहाँ पर भी कितना आएगा V, ये जीरो है तो यहाँ कितना आएगा, जीरो, और ये जीरो है, बस जीरो यहीं पे खत्म हो जाएगा, यहाँ सेंड, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, उधर भी जीरो आएगा ना, नहीं आएगा ना जीरो, मतलब रजिस्टर बीच में आ गया, यहाँ सर उधर है तो वहाँ पे V कहाँ से आएगा, कहाँ पे, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, वहाँ पर भी नहीं आएगा, यस 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 यस, यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पे हमें Y लेना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा yes, अब इसको कर लो, देखो कैसे करेंगे, ये V, ठीक है, ये X, ये Y और ये जीरो, ठीक है, तो सबसे पहला 4 ओम का रजिस्टर देखो, क्या V और Y के बीच में है, ये रहा, यस V और Y के बीच में है, ये फर्स्ट रजिस्टर, तो दूसरा देखो V और X के बीच में है, 8 ओम, ये 8 ले लिया, ठीक है, ये हो गया, फिर x और y के बीच में एक है तो ये ले लिया, फिर y और जीरो के बीच में है तो ये y और जीरो के बीच में ले लिया, ठीक है, y और जीरो के बीच में कितना है, 2, v और y के बीच में था 4, x और y के बीच में 4, x x और जीरो के बीच में कितना है, 4, बोलो हो गया सारे रजिस्टर कवर, यस और नो, सारे रजिस्टर करेक्ट हो गए ना सेट, हां सर, यस और नो, यस, अच्छा अब देखिए ये आपका 8, ये 4, अच्छा ये 8, ये 2, 8 2 जा 16, ये 4 into 4, 4 4 जा 16, बन गया, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, यस yes. क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा, जीरो, कितना आ जाएगा, जीरो, जीरो, ठीक है, तो ये अब ऐसा बन जाएगा, देखो ये 8, ये 4, ये 4, ये 2, 8 4 4 2, यहाँ पोटेंशियल V, यहाँ पोटेंशियल जीरो, तो ये 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में, ये 12, ये दोनों सीरीज में,
सिक्स और ये दोनों आपस में पैरेलल, तो 12 इंटू सिक्स डिवाइड बाय 12 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट 4 ओम। बोलो क्लियर है, क्लियर है सभी को ये चीज? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। इसके पहले वाली स्लाइड खोलो सर। हो गया सर। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये 4, ये 6, ये 3, ये 4, ये 2, ये 6, ये 12, ऐसा गिवन है। सबसे पहले तो कितने रजिस्टर हैं वो देखो, 5 है क्या? 5 से ज्यादा है तो दूसरी चीज देखो, क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो? क्या आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो या नहीं? कर सकते हो तो बताओ क्या करेंगे। देखो क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि 6 और 3 ये दोनों कैसे हैं, 6 एंड 3 कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। तो इसको हटाओ, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 एंड बाय 9, तो ये हो गया 2। सिमिलरली यहाँ पर देखो, क्या ये 12 और ये 6, तो ये 6 गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 और 6 का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4 ओम। अब कितने रजिस्टर बचे, 5 बच गए। अब 5 रजिस्टर्स हैं तो सीरीज पैरेलल समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, वी पोटेंशियल लगाया और यहाँ पे कितना, 0 पोटेंशियल। तो यहाँ पर वी, तो यहाँ कहीं भी आएगा नहीं आगे, ठीक है? ये 0, बस हो गया खत्म। तो यहाँ x लेना पड़ेगा, यहाँ y लेना पड़ेगा, यस और नो? यस सर। जीरो पोटेंशियल 4 ओम से आगे बढ़ नहीं सकता, yes, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस लग गया है, तो जीरो को वहीं रहेगा। तो हमें दो अननोन पोटेंशियल कंसीडर कर लेने पड़ेंगे कि ये x हो गया और एक y ले लिया, समझ में आ रहा है? अब क्या कर रहे हैं, देखो v x y और 0, कुछ इस तरीके से हमने ले लेते हैं V, X, Y, 0, ठीक है? तो पहला देखो, V और X के बीच में 2 ओम आ गया, ये 2, फिर V और यहाँ पर Y है, तो V और Y के बीच में 2 आ जाएगा, ये आ गया, ये 2, ये 2, फिर X और Y के बीच में 4 आ गया, तो ये X और Y के बीच में 4 ले लिया, फिर ये x और ये 0 इसके बीच में कितना आ जाता है, 4 आ जाता है, फिर y और 0 के बीच में आ जाएगा। बोलो समझ में आया? अब बताओ क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है? यस है या नहीं है? है सर। सच्ची समझ में आ रहा है?
दिव्या क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए देखिए, तो ये आपका 2 4 8 एंड 2 4 8, इसका मतलब यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा? इसमें करंट कितना? जीरो। ठीक है, जीरो, क्योंकि ये कौन सा है, व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया। अच्छा, अब ये करंट जीरो हो गया तो इसकी जरूरत नहीं है, तो अब बताओ क्या हो जाएगा? ये 2 + 4 = 6, ये 2 + 4 = 6, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? बोथ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो 6/2 = 3 ohm। बोलो क्लियर है? खुशी? यस yes, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। घबराने की जरूरत नहीं है सर्किट को देख के, ठीक है सर? दिख ही नहीं रहा सर्किट। ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, हो जाना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ए और बी के बीच में आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। चलो सॉल्व कीजिए। देखिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पर और यहाँ पर दो पॉइंट्स ले लिए भाई, ए और बी तो हो गया, वो तो कहीं हम पास ऑन कर नहीं सकते। मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो ये पोटेंशियल तो वही रहेगा, तो ये एक्स पोटेंशियल मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, किसके अक्रॉस निकालना है? ए और बी के अक्रॉस, तो ये ए, ये बी, ये एक्स और ये वाई, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एक मिनट, ओके, ए और एक्स के बीच में रेजिस्टर ले लिया हमने, हाँ, फिर ए और वाई के बीच में रेजिस्टर ले लिया, हाँ, ठीक है, एक्स और बी के बीच में ये रेजिस्टर आ गया, एक्स और बी के बीच में, हाँ, देन वाई और बी के बीच में, तो ये वाई और ये बी, इसके बीच में हमने रेजिस्टर ले लिया, ठीक है, देन एक्स और वाई के बीच में, ये रेजिस्टर ले लिया, आर, कौन सा बच गया? ए और बी के बीच में, तो ए और ये रहा ए और ये रहा बी, इसके बीच में एक और रजिस्टर कनेक्टेड है यार, ठीक है। अब देखो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन फुलफिल करेगा, यस और नो? ये आर आर, ये आर आर, तो व्हीटस्टोन ब्रिज फुलफिल करेगा कंडीशन, यस और नो? अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन फुलफिल करेगा तो सेंटर में करंट कितना? जीरो। अगर सेंटर में करंट जीरो तो इसकी जरूरत नहीं है, जब इसकी जरूरत नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? देखो ये आर और आर, टू आर, ये आर और आर, टू आर, ये टू आर और टू आर, दोनों कैसे हैं? पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा आर, इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इन दोनों का? आर आ जाएगा ना, यस और नो? यस Yes. और ये आर और ये आर दोनों कैसे हैं? पैरेलल में, कितना आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? आर बाय टू, हो गया सॉल्व? चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ये 6, ये 8, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ले लिए बैटरी, टेन वोल्ट की, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, इफ वी इंटरचेंज बैटरी एंड 2 ओम रेजिस्टर, देन फाइंड आउट द करंट इन 2 ओम रेजिस्टर। क्या पूछा जा रहा है? इफ वी इंटरचेंज, इफ वी इंटरचेंज बैटरी एंड 2 ओम रेजिस्टर, if we interchange battery and 2 ohm resistor, then find out the current in 2 ohm resistor. ये आपसे पूछा गया है, right? इसका मतलब ये है कि आपको ये बैटरी और ये रजिस्टर, इसको इंटरचेंज करना है। क्या करना है? इंटरचेंज करना है। तो आपका करंट कितना आएगा 2 ओम रजिस्टर में से, ये आपको फाइंड आउट करना है। कर सकते हो? कर सकते हो? करो, चलो जल्दी। वैसे जीरो नहीं आना चाहिए। वही, वो तो तू बताएगा मेरे को। इंटरचेंज करने के बाद क्या सिचुएशन रहती है बताओ। ऐसे बात का ही बोल रहा था मैं। काव्या, खुशी, रैना, विधि, बताओ क्या आएगा बेटा आंसर। प्राची, सॉल्व किया आप लोगों ने? कल सर जीरो ही आएगा। जीरो ही आएगा, एम्पियर आएगा सर। है, 5 एम्पियर आएगा। 5 एम्पियर आएगा, ओके। विधि बेटा आपकी आवाज कट रही है। जीरो ही आएगा, ओके। See, अगर मैं इसे इंटरचेंज करूं, ठीक है, और इसको रिप्लेस कर दिया मैंने, टू ओम के रजिस्टर से, राइट? बताओ। यस सर। अगर मैं इसको रीअरेंज करके ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, देखो। अरे हाँ सर, जीरो नहीं आएगा। जीरो ही, जीरो ही। मैंने अभी रजिस्टर को अंदर ही रखा है। इस कंडीशन में करंट कितना है 2 ओम में से? जीरो। कितना है? यहां पर भी जब आप बैटरी को इससे साथ इंटरचेंज करते हो, जब आप यहां पर 2 ओम के रजिस्टर को बैटरी के साथ इंटरचेंज करते हो, इन दैट केस आल्सो करंट विल बी जीरो।
सर वही बनेगा वापस, कोई चेंज नहीं होगा बेटा करंट में, देयर इज नो चेंज इन द सर्किट करंट एट 2 ओम रेजिस्टर. ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है. ये आपको इसलिए कंसेप्ट बताया गया है सिर्फ ये समझाने के लिए दैट इफ यू इंटरचेंज, अगर बैलेंस सर्किट है तो, हाँ ये भी मैं क्लियर कर दूं, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस्ड सर्किट है, इन दैट केस अगर आप यहां से रजिस्टर को उठा के बाहर ले जाते हो, बैटरी की जगह रिप्लेस करोगे, स्टिल देयर विल बी नो चेंज इन द करंट. करंट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, उतना का उतना ही रहेगा. समझ में आई बात? यस सर. बस इतना ही समझाने के लिए क्वेश्चन करवाया है, बाकी कुछ नहीं है इसमें. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं. और आर 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 सारे रजिस्टर्स आर हैं. ठीक है, बताओ क्या करोगे? तो सेम ही तो है, शेप ही तो अलग है. सेम ही तो है सर, शेप ही तो अलग हुआ है. आर ही आएगा ना रजिस्टर्स. क्या आएगा? आर आर टू आर. रुको, अब बताओ ये वन, ये टू, ये टू, ये टू और ये टू. तो कितना? नहीं आएगा बेटा, ये नहीं आएगा, आंसर ही नहीं आएगा इसका. इस तरीके से नहीं आ पाएगा, ना ही तो ये आपको सीरीज पैरेलल समझ में आएगा, ना ही तो इसके अंदर आपको बीच स्टॉप भी समझ में आएगा. दोनों में से एक भी नहीं है समझ में आएगा आपको. इसको करने के लिए बैक टू पवेलियन, मतलब पुराना वाला जो मेथड था हमारा बेस मेथड, उस पे जाना पड़ेगा. ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? हाँ क्या क्या? 2/7. कितना? 2/7. 2/7 नहीं, देखो इट्स अ अनबैलेंस्ड केस, इट्स अ अनबैलेंस्ड केस. इसके लिए हमें इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसे सॉल्व करने के लिए हमें वीआई मेथड यूज करना है. कौन सा मेथड यूज करना है? वीआई मेथड. जनरली इस टाइप के क्वेश्चन ना तो मेंस में मिलेंगे, ना ही तो नीट में मिलेंगे, ना ही बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे. ठीक है, तो किसमें मिलेंगे? एडवांस. उसके लिए मेन क्लियर करना पड़ेगा पहले. वो भी है. देखो ये भी वोल्ट की बैटरी हमने लगा दी, करंट कितना जाएगा? आई. ये कितना? वी. यस और नो? यस सर. हेलो, क्लियर है? हाँ सर. ओके, ये भी, ये कितना? जीरो. यहाँ पे कितना? एक्स. यहाँ पे कितना? वाई. वाई. अब आप सभी एक चीज जानते हैं कि आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, लेकिन आर इक्विवेलेंट वी बाय आई के इक्विवेलेंट होता है, ये तो आप सभी को पता है. यस और नो? क्या हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि ये एक्स माइनस वी बाय वन, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इक्वल टू जीरो, याद आ गया मेथड?
x minus v by 1 plus x minus 0 by 2, ये x, ये 0, ठीक है, ये करते थे ना, i1 plus i2 plus i3 equals to 0, याद आया? हाँ. ओ भाई साहब, सो गए क्या सब लोग? नो सर. हाँ, तो ये x minus v by 1, x minus 0 by 2, plus ये x, ये y, तो x minus y by 2 equals to 0, समझ में आया? तो ये हो जाता है 4x minus 2v is equals to 1. ये equation number बन गई 1. ठीक है? Similarly, देखिए. ये y और ये 2. तो y minus v by 2. y minus v by 2 plus ये y, ये 0, तो y minus 0 by 2, y minus 0 by 2, plus ये y, ये x, तो y minus x by 2, y minus x by 2, equals to कितना? 0. बोलो, समझ में आया? सर, सर, first equation में y minus x आएगा कि x minus y आएगा? किसमें? किसमें बेटा? First equation में से last वाला लिखा ना आपने x minus y, वहाँ पे y minus x आएगा? फर्स्ट इक्वेशन नंबर वन में, हाँ देखो इसमें मैंने इसको हायर माना है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो मैंने x माइनस वी, x माइनस जीरो, x माइनस वाई किया. सेकंड में मैंने इसको हायर माना है, तो y माइनस वी, y माइनस एक्स, y माइनस जीरो, ऐसा किया है. आया बात समझ में? हाँ सर. तो अब ये हो जाएगा 3y माइनस वी इज इक्वल्स टू x. ये आपकी इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड. ठीक है, अब हमारे पास दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे. तो ये हम क्या करेंगे इसमें, हमारे पास में इक्वेशन क्या है, 3y माइनस वी इज इक्वल्स टू एक्स. ठीक है, यहाँ पे y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस 2v लिख सकते हैं. So y is equals to 4x minus 2v. Using this equation, हमने equation का use किया, 3 into y की जगह क्या put किया, 4x minus 2v minus v is equals to x. तो हमारे पास में इसको solve करोगे तो आपको x मिलेगा 7v by 11. X कितना मिलेगा? 7v by 11. ठीक है? सवाल आपको खुद करना रहेगा, मैंने आपको बता दिया है तरीका. ओके, यहां तक समझ में आया सभी को बेटा? वही अब तो पूरी मैथमेटिक्स चल रही है, कांसेप्ट तो मैं समझा चुका हूं आपको. आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है 4x minus 2v is equals to y. 4x minus 2v is equals to y. Now we know the value of x. तो x की वैल्यू आप पुट करोगे, put x is equals to 7v by 11. तो जब आप value put करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y, y का value कितना है, 6v by 11. y का value कितना है, 6v by 11. बोलो समझ में आई बात? Yes sir. Yes. Clear है? अच्छा, अब आगे देखो यहाँ पे. देखिए यहाँ पे क्या किया, मान लो इसमें से करंट जा रहा है I1 और इसमें से जा रहा है करंट I2. ये मैंने अज्यूम किया, क्या जा रहा है, इसमें से करंट जा रहा है I1 और इसमें से करंट जा रहा है I2. तो जब इसमें करंट I1 जाएगा तो I1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस जीरो बाय टू लिख सकता हूँ क्या? तो मैंने क्या किया, क्योंकि देखो आपको फाइनल करंट निकालना है आई यहां से, यस और नो? तो इन दोनों का एडिशन होके ही आएगा जो करंट होगा वो, तो यस और नो भाई? आपने यहाँ पर जो करंट आई वन है और यहाँ पर जो करंट आई टू है, इन दोनों का एडिशन होके आपको टोटल करंट आई मिलेगा. तो आप आई वन लिख सकते हो एक्स बाय टू, और आई टू क्या लिख सकते हो, वाई बाय टू लिख सकते हो कि नहीं? हाँ सर. देखो ये लिखा तो है एक्स माइनस जीरो बाय टू, यहाँ वाई माइनस जीरो बाय टू. तो I1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, x बाय टू
और I2 is equals to क्या लिखोगे y by 2. तो I1 equal x by 2 करोगे तो x का वैल्यू कितना है 7v by 11. तो वैल्यू पुट करोगे तो you will get 7v by 22 ampere. और I2 का वैल्यू कितना आ जाएगा I2 y की वैल्यू पुट करो 6v by 11 by 2 तो 6v by 22 ampere. तो टोटल I is equals to क्या करेंगे I1 plus I2 इन दोनों का वैल्यू पुट करो क्या करेंगे दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो 7v by 22 तो ये हो जाएगा 13v by 22. अब ये आपका क्या आ गया टोटल करंट I आ गया. टोटल करंट क्या आ गया I. आपको पता है कि v by I आपको क्या देता है ये देता है R equivalent. तो क्या अब आपको R equivalent मिल जाएगा बिकॉज आपको v पता है और I आपका पता है. I कितना है आपका 13v by 22 13v by 22 तो v से v कैंसिल आउट तो 22 by 13 ओम ये आपका R equivalent आया. बोलो समझ में आया नहीं समझ में आया तो ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है वैसे आ जाना चाहिए बिकॉज बेसिक मेथड है बाकी तो फिर मैथमेटिक्स है. ये आना चाहिए एडवांस में. ठीक है समझ में आया. यस सर. यस सर. कितना आसान क्वेश्चन एडवांस में नहीं आता. यस सर. कंसेप्ट आपको पकड़ना आना चाहिए मेन वो है अभी फिलहाल. बोलो यहाँ तक क्लियर है. हेलो एवरीवन. हाँ सर. ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं. चलिए देखिए लैडर नेटवर्क. आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा लैडर नेटवर्क. सुना है नाम लैडर नेटवर्क के बारे में सुना है. यस सर. लैडर नेटवर्क. अब लैडर नेटवर्क का मतलब क्या होता है समझिए. मान लो कि कोई एक सर्किट है ठीक है वही सर्किट बार 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 अगर रिपीट होता है तो उसे हम लैडर नेटवर्क कहते हैं. जैसे कि मान लो आपका जो फैन है उस फैन के अंदर जो कॉइल होती है क्या होती है कॉइल. तो उस कॉइल का जो डिजाइन होता है वो क्या होता है एक एक ही डिजाइन बार बार क्या हो रहा होता है रिपीट हो रहा है. ठीक है तो यहाँ पर हम ये कहते हैं अगर मान लो मैं ऐसे ले लूं कि वो इनफाइनाइट लेवल तक चल रहा है इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा है. कितना चल रहा है इनफाइनाइट टाइम चल रहा है. तो मैंने यहाँ पर एक इसी तरीके का एक सर्किट बनाया ठीक है कुछ इस तरीके का. ये एक रेजिस्टेंस देन तो उधर भी रेजिस्टेंस नहीं आएगा. हेलो प्रथम ये इस तरीके से और ये जो सर्किट है वो इनफाइनाइट टाइम तक चल रहा है. कहां तक चल रहा है इनफाइनाइट टाइम के लिए कुछ इस तरीके से. सर दिवाली पे सीरीज लगाते हैं ऐसे ही. ठीक है अब ये हमने एक सर्किट बना लिया. ये सर्किट क्या हो रहा है रिपीट मारे जा रहा है. अब आप क्या करोगे भाई इसका ये पॉइंट ए हो गया ये पॉइंट बी हो गया इसका रेजिस्टेंस आर 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 आर. अब आपने गिनना शुरू किया गिनते 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 बूढ़े हो गए. फिर आपने अपने बच्चे को बोला कि भाई गिनते रहना. फिर उसने गिनना शुरू किया गिनते 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 वो भी बूढ़ा हो गए. फिर उसने अपने बच्चों को बोला तो ये क्या होगा इनफाइनाइट सर्किट है तो भाई चलता रहेगा ये तो चलाते रहो जब तक चलना है ना. अपनी 10 15 20 पीढ़ियां जो है इसी काम में लगा दो तब जाके आपको कहीं कोई आंसर मिलेगा. तो हमने इतनी माथावच्ची करने की जगह एक सिंपल सी चीज लगाई. वो ये हमने सोचा कि आपको एक सर्किट देखो ये सर्किट आपको क्या रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है. यहां से क्या ये आपको सर्किट रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है यस और नो. क्या यही yes, चीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है. क्या यही चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है.
समझ में आया? तो ये क्या है, एक ही सर्किट का रिपीटेशन हो रहा है। अब मान लो कि हमने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रेजिस्टर्स लगा लिए, क्या किया, बहुत सारे इनफाइनाइट रेजिस्टर है, तो इनफाइनाइट रेजिस्टर का जो इक्विवेलेंट आप निकालोगे, क्या वही इक्विवेलेंट आप पूरे सर्किट का ले सकते हो कि नहीं? यस और नो? मान लो आपको 1 लाख रेजिस्टर्स दिए हैं सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल डिफरेंट कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे 1 लाख रजिस्टर दिए हुए आपको। 1 लाख रजिस्टर में से अगर मान लो 99,000 रजिस्टर का रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया, तो अगर हम अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं कि 1000 को अगर आप एड भी कर दोगे 99,000 में, तो उसका रेजिस्टेंस इसके आसपास ही होगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ इसी तरीके का अजम्पशन किया और हमने क्या किया, इस सर्किट को कुछ इस तरीके से ब्रेक किया। हमने ये मान लिया बेटा कि यहां से ये जो पूरा सर्किट है, इसके बाद में ये पूरा सर्किट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहां से पूरा सर्किट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब ये पूरा सर्किट रिपीट हो रहा है, तो इसका हमने ये माना कि इसका रेजिस्टेंस एक्स हो गया। आर इक्विवेलेंट कितना ले लिया हमने इसका, आर इक्विवेलेंट मैंने ले लिया एक्स, कितना ले लिया एक्स। समझ में आ रहा है? हेलो। Yes, R equivalent मैंने इसका ले लिया X, बोलो यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अगर मैंने ये R equivalent X ले लिया है, तो क्या पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस निकलेगा, क्या उसको भी मैं X ले सकता हूँ? Yes or no? तो मैंने क्या किया, इस सर्किट को यहाँ से काट लिया, क्योंकि यहाँ से सर्किट जो है वो कैसा हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यस और नो? तो मैंने कुछ ऐसा सर्किट बनाया, देखिए मैंने क्या किया, ये इस तरीके से एक सर्किट बना लिया, कुछ इस तरीके से। ये हमने एक्स ले लिया, पूरा का पूरा जो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस था उसको पूरा एक्स ले लिया है। ये आपका आर हो गया और ये आपका आर हो गया। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। क्या अब आप फाइंड कर सकते हैं, यस और नो? अरे अब तो आसान हो गया ना, हो गया कि नहीं? यस सर। तो क्या करोगे, ये x और ये r दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो क्या लिखेंगे, r x अपॉन r प्लस x, क्या लिखेंगे, r x प्लस अपॉन r प्लस x। अब ये दोनों पैरेलल और ये इसके साथ में सीरीज, तो प्लस r इज इक्वल्स टू, ये पूरा रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट माना था हमने, x के इक्विवेलेंट, किसके इक्विवेलेंट माना था, x के इक्विवेलेंट माना था। यस और नो? तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो आंसर निकालते हैं इसका, ये हो जाएगा आर एक्स अपॉन आर एक्स प्लस आर इंटू आर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू आर प्लस एक्स। क्या ऐसा लिख सकते हैं, यस और नो? अरे लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा ये, या फिर एक काम करता हूं, इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं, रुकिए, इसको ऐसे लिख लेता हूं, आर एक्स बाय आर प्लस एक्स प्लस आर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर एक्स चलो एक मिनट, आर एक्स बॉन एक्स प्लस आर इज इक्वल टू एक्स माइनस आर, इंटरचेंज किया इतना, समझ में आया? अब क्या हो जाएगा, आर एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस आर इंटू एक्स प्लस आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स, ये एक्स आर जो भी आपको लिखना हो, तो x square minus r square minus rx equals to zero। क्या अब आप इसका आंसर निकाल सकते हैं सॉल्व करके, इसको आप इक्वेट कर लो ax square plus bx plus c इसके साथ में, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, x square minus rx plus sorry x square minus rx minus r square is equals to zero,
अब इसमें वैल्यू पुट करो तो x की वैल्यू आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, r प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस 4 इनटू a इनटू c, c आपका जो है वो आपका है r स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, a कितना है a 1 है, ये कितना है 1 है, बोलो समझ में आया? ओ भाई साहब समझ में आया कि नहीं, मैंने डायरेक्टली इक्वेशन पुट कर दी है, ये सब मैथमेटिक्स से आ गए सर। नेगेटिव नहीं आएगा, नहीं रूट के अंदर नहीं आएगा, मतलब पॉजिटिव लेने का हमें। अरे ये एक तरीका हो गया, ठीक है, आपको ऐसे सॉल्व करना है, मैं बस वो बताना चाह रहा हूं, समझ में आया? हेलो, यस सर। हाँ आगे देखिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं, सभी को समझ में आ रहा है? हाँ सर। पक्का? देखिए और ये इनफाइनाइट के लिए चल रहा है, ठीक है, आर 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 इस तरीके से। अब आप इसको कहां से काटोगे बताइए, कहां से कट कर सकते हैं आप इसे, यहां से या यहां से, कहां से कट करना चाहिए इसको? राइट साइड से। कहां से काटेंगे? राइट। कहां से कट करेंगे? आगे से सर, राइट। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से पूरा रिपीटेशन हो रहा है, देखो हो रहा है रिपीटेशन, यस और नो? तो हमने क्या किया, बस वही सेम चीज पकड़ी, ये आपका पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट बी, वही ले लिया हमने, यहाँ पर रजिस्टर ले लिया हमने, ये आर, ये ए, ये बी, ये आर लेना है हमें, और ये हमने एक्स ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स और आर दोनों कैसे हैं, एक्स और आर कैसे हैं, पैरेलल में हैं, अरे सॉरी, ये दोनों सीरीज में हैं, तो ये आर प्लस एक्स हो जाएगा, और ये आर प्लस एक्स इसके साथ कैसा है, पैरेलल में है, तो क्या लिखेंगे, R plus X into R upon R plus X plus R is equals to X. यही होगा? Yes or no? Yes, sir. तो R plus X into R by 2R plus X is equals to X. बस अब आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, समझ में आया? अरे कर लोगे? हाँ सर। ठीक है, बोले यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। पक्का? यस और नो? यस सर।